गढ़वा लोकसभा सीट पर 13 प्रत्याशी, अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर 7 प्रत्याशी, नैनीताल लोकसभा सीट पर 10 प्रत्याशी और हरिद्वार लोकसभा सीट पर 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। केवल एक नाम वापस लिया गया है जो अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर जो निर्दलीय प्रत्याशी थे अर्जुन कुमार देव, इनके द्वारा नाम वापस लिया गया है। जो अन्य बिंदु है आज की प्रेस ब्रीफिंग में, वो इम्पोर्टेंट ये है कि निर्वाचन आयोग के द्वारा एग्जिट पोल का बारे में अपना निर्देश जारी किया है, जिसको हम सबको साझा करना चाह रहे हैं। एग्जिट पोल की प्रक्रिया करना और उसके जो भी उसके निष्कर्ष होंगे उनका प्रकाशन करना ये प्रतिबंधित होगा, और जो अवधि निर्धारित किया गया है उस प्रकाशन और उस सर्वे करने की गतिविधि को प्रतिबंधित मानने के लिए, प्रथम चरण का जो मतदान का समय होगा वो प्रारंभ होने से लेकर अंतिम चरण का जो मतदान का समाप्ति का समय होगा उसके आधे घंटे पश्चात तक। इसका मतलब है कि 19 अप्रैल के 7 बजे से प्रारंभ होकर 1 जून के 6:30 बजे तक एग्जिट पोल पर प्रतिबंध होगा। इसका सभी मीडिया जो समूह होंगे इनको इसका बारे में अनुपालन करना सुनिश्चित करना होगा।